वकेशन पे जाने की तैयारी हो रही है। पैकिंग शेकिंग वाह वाह जनाब, कुछ ज्यादा ही ठूस दिया अपने बैग में। अब लगाओ जोर। लो जी, यहाँ इनसे एक सूटकेस में कुछ कपड़े पैक नहीं हुए, और वहाँ देखा आपने, यहाँ एक मैच बॉक्स में 5.5 मीटर की साड़ी पैक हो गई। है ना कमाल का जादू? जादू वादू नहीं है, ये है 100% प्योर सिल्क से बनी मैच बॉक्स साड़ी। और ये OMG साड़ी बनाई है नल्ला विजय जी ने। इस साड़ी का राज जानने OMG की गाड़ी आ पहुंची है तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला डिस्ट्रिक्ट में। विजय जी जरा बताइए तो, मैच बॉक्स में साड़ी फिट करने का ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आया कहां से? इस साड़ी को बुनना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है। मैं इस हैंडलूम आर्ट को नेम और फेम दिलाना चाहता था, इसलिए हमें माचिस की साड़ी का आइडिया आया। साड़ी एक ड्रेप गारमेंट है जिसका जिक्र पहली बार 3000 BC में ऋग्वेद में किया गया था। आज भी इंडिया में 70% से ज्यादा औरतें साड़ी पहनती हैं। दोस्तों, एक आम साड़ी 10 से 15 mm थ्रेड की कई लेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन मैचबॉक्स साड़ी 5 mm से भी कम की सिर्फ एक लेयर थ्रेड से बनती है। इसके बावजूद ये स्ट्रेंथ के मामले में एक रेगुलर साड़ी से कम नहीं है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर, विड्थ 1.25 मीटर, और इसका वजन है सिर्फ 70 ग्राम, यानी कि एक रेगुलर सिल्क साड़ी से लगभग 10 गुना कम। एक साड़ी और खूबियां इतनी सारी। चलिए विजय जी से जानते हैं कि ये लाइट वेट साड़ी बनती कैसे है। साड़ी के साइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम धागे को मिल से खरीदते हैं, फिर मैं उन्हें डाई करता हूँ, फिर धागों को सुखाया जाता है। उसके बाद चरखे की मदद से इन धागों की रील्स तैयार होती है। विजय जी आज भी अपने पिताजी का लगभग 50 साल पुराना मैन्युअली ऑपरेटेड हैंडलूम इस्तेमाल करते हैं। इनकी साड़ी में ट्रेडिशनल वीविंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है और ये प्रोसेस बेहद डेलिकेट है। इसमें डिजाइन और कलर्स को ध्यान में रखते हुए सिल्क के एक एक नाजुक धागे को बारीकी से पिरोया जाता है। तभी तो एक साड़ी को बनाने में कभी एक हफ्ता तो कभी एक महीना भी लग जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये हुनर अपने पिताजी से सीखा जो इस काम में माहिर थे। 1987 में मेरे पिताजी नल्ला परांदा माया ने एक रेशम की साड़ी बुनी थी जो माचिस में फिट हो जाती थी। उसने सिलसिला की रेपुटेशन को चारों ओर बढ़ा दिया और इसका श्रेय मेरे पिताजी नल्ला परांदा माया को जाता है। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला। विजय जी ने पाया कि उनके पिताजी की बनाई साड़ी मैच बॉक्स में तो फिट हो गई, लेकिन उससे पहना नहीं जा सकता। उन्होंने इस कला को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ठान ली और ऐसी साड़ी बनाई जो पहनने में भी बेहद कंफर्टेबल है। ये मैचबॉक्स साड़ी बहुत लाइट वेट है एंड बहुत रेयर है। इसको पहनकर बहुत अच्छा लगता है। शॉप्स में जो साड़ी मिलती है वो हैवी होती है। ये साड़ी रियल सिल्क से तैयार की गई है। ये साड़ी पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। आम जनता ही नहीं, इस बेमिसाल साड़ी ने फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी इम्प्रेस किया है। हमने जो माचिस की साड़ी बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा को दी थी। विजय जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विरासत में मिली कला को ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे ऐसे मुकाम पर ले आए कि अब आपका हुनर देखकर हर कोई कह रहा है OMG।